सो हेलो गाइस, दिस इज W360 प्लेयर। तो आप लोग कैसे हो? चलिए आज हम लोग दोबारा से आ गए हैं Assassin's Creed Origin Curse of the Pharaoh DLC खेलने के लिए, और आते आते मेरा स्वागत करने के लिए ये लोग भी आ गए। आ जाओ, मैं कल ये एक नया आउटलुक है उसको मैंने अनलॉक किया था बाजार से खरीद के, सो इन लोगों को पता चल जाएगा मम्मी का पावर है मेरे अंदर, लोग जान जाएगा धीरे धीरे। एक गया, दो गया, एक और वहाँ पे है। आ जा जा पास में, जल्दी। एक बार मेरा आउटरो खराब किया था इन लोग ने, मेरा इंट्रो खराब कर रहा है इन लोग। ये सब नया नया कुछ इक्विपमेंट है जो कि मैंने वही बाजार से खरीदा था। आ जा सही आजमाएंगे इसे। आधा इसका पैर ही गायब कर दिया मैंने, इतना खतरनाक हथियार है। और ये रहा मेरा नया आउटलुक, मम्मी का आँख भी लाल है पूरा एकदम। और जितना भी वेपन्स थे वो सारे अपग्रेड भी कर दिए। NFATT का वेपन मेरे पास था लास्ट टाइम, सो मैंने उसको भी अपग्रेड कर दिया है, उसको 55 लेवल पे पहुंचा दिया है। देख सकते हैं कितना हरा पूरा जहर से भरा हुआ NFATT का। NFATT भी इतना अपग्रेड नहीं कर पाई होगी जितना मैंने उसके हथियार को कर दिया है। अब चलिए, अब हम लोग जाते हैं द किंग ऑफ द किंग्स मतलब मिशन के लिए। ये चीज़ यहाँ पे तो हम लोग आ चुके हैं, लास्ट टाइम तो आ ही गए थे। यहाँ पे एक औरत मिली थी हम लोग को, चलिए यहीं पे है बैठी हुई। रेमेसिस के बारे में बहुत कुछ जानती है। अरे मेरा आंख तो देखो लाल लाल। At this. Tell me, what do you see? I see you. देखिए exactly गाइस, मेरा आंख देखिए। Worrying over dusty papyrus and losing more than you win. At the last, मैं भी मम्मी बन चुका हूँ। Wisdom by it. I've heard of Ramesses. मारते मारते पैरों लोग को, मेरा क्या हाल हो गया है? Father to 100 children. He is the pharaoh who walks. How do you know? This speaks of it. Strange, because it must be 1,000 years old. A great king, his soul fragmented, does not say why he is here. Revenge? Or he has unfinished business. As do we all. Wait, Bayek. Let me see before you get yourself killed. Pharaoh's name. Pharaoh's shadow. An ancient ritual. It's all here. Fascinating. If he is like the others, I know what needs to be done. But I will need the parchment. Of course. So, about my finder's fee? Or you could give it to me from the goodness of your heart. Unless you already lost that on another bad roll of the dice. And जाओ जाओ अपना जीवो वाला खेल करते रहो। My blessing. मेरी फिक्र मत करो, कोई भी अब मेरे बराबर नहीं हो सकता है। Thank you. चलो अच्छा है, प्रेयर भी दे दी मेरे को, मेरे लिए बेस्ट विशेस भी कर चुकी है। The Pharaoh's jib. He shout. A Pharaoh's shadow. This is how I will fight to make rich promises. ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा, देन उसके बाद शायद हो सकता है। इसके बारे में अच्छा, फिर वहीं पे जाना है, यहीं से फास्ट ट्रैवल ले लेते हैं गाइस, बेस्ट यही रहेगा। ये रहा यहाँ पे, सबसे नियर में यही फास्ट ट्रैवल है, यहीं पे चलते हैं। लास्ट टाइम भी शायद यहीं पे हम लोग गए थे। और ये देखिए, ऊपर से नीचे मम्मी बन चुका हूँ, फैरो लोग को मारते मारते एट द लास्ट बाइक भी फैरो बन चुका है। देखिए अंदर से सैंड भी गिर रहा है, आप लोग देख सकते हैं अंदर से धीरे 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 थोड़ा थोड़ा सा एनिमेट कर रहा है सैंड गिरते हुए। अब बालू से निकले, बालू में दफन थे, फिर उसके बाद बालू से निकल गए। चलो कुछ जा। पीछे में चलना है, ओके कोई दिक्कत नहीं, इधर से निकलते हैं। फाइंड एंड गेट द song scroll written in the
रैमसेस नहीं, ये क्या होता है, जो भी है चल के देख लेते हैं। रिलिक्स फ्रॉम द ओल्ड किंगडम हैव बीन फाउंड साउदर्न ऑफ द श्वेनेट। श्वेनेट बहुत अजीब अजीब सिटी का नेम था उस समय भी, मानना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं जल्दी से क्या यहाँ पे है, क्या चीज़ फाइंड करना है, हमको भी नहीं पता है अच्छे से। सीनू ही बताएगा मुझे कि कुछ नया जगह है। मैं पैदल क्यों चल रहा हूँ यार, मेरे पास घोड़ा है अपना, आ जा। देखिए बुलाते बुलाते आ जाता है एकदम, यही तो अच्छी बात है। अब सीनू को खोजना है, सीनू आ जाओ। खोज लिया भी, वाह सीनू वाह, दिल खुश कर देता है सीनू। काश इसमें कुछ ऐसा रहता कि सीनू जब कुछ खोजता है तो उसको कुछ प्राइज मनी भी हम लोग दे सकें, ऐसा कुछ रहता ना तो और मज़ा आता, क्योंकि सीनू बहुत अपना हेल्प करता है। बिना सीनू के हम लोग नहीं काम कर पाते असैसिन क्रीड में, अगर कुछ भी कहो तो, क्योंकि ले देखे जो ईगल विजन है एट द लास्ट वही चीज़। I need to find the songs before they do. मिल चुका है। Damn you! अरे अरे आग कहाँ से लगी है मुझे, अरे भाई मम्मी को आग भी लगता है, क्या पता मम्मी को शायद आग भी लग सकता है, हमको क्या पता। फैरो शेडो ओनली बाई फेसिंग द कीपर ऑफ हारमोनी एंड बैलेंस इन द अर्लियर रियाम कैन बाय के डिफीट हिम इन द आफ्टर लाइफ फाइंड एंड डिफीट रेमेसिस शेडो। अच्छा रेमेसिस शेडो उसको दो बार तीन बार हरा चुका हूँ यार, एक बार और हराना है, कहाँ अभी तो आया था। अब यार उसके के लिए वेट करेंगे, उसके शेडो के लिए वेट करेंगे, क्या गजब है। कोई नहीं, पहले उसको शैडो को डिफीट करेंगे और देन उसके बाद उसको डिफीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। घोड़ा मेरा कहाँ है, आ जा जल्दी से। रेमेसिस का शैडो अब खोजना पड़ेगा यार, ऐसे तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ आता रहता है, अभी तो आ जाओ। चलते हैं कोई शहर चलते हैं, वहाँ पे सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहीं पे मैक्सिमम ज़्यादा सारे मतलब ज़्यादा लोग रहते हैं, और उन्हीं लोग के बीच में वो एक बैग प्रकट होता है और फिर उन लोग को मारने लगता है, और देन उसके बाद उन लोग का लाइफ को मतलब प्रिजर्व कर लेता है अपने साथ और अपने ये आफ्टर लाइफ टू अर्थ में लेके जाता है। सो इसमें जाना तो कोई, अरे वाह 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 वाह, लक अच्छा है गाइस। एरा फैरो शेडो यहीं पे पास में है, कितना है, 100 कुछ है लमसम। चल चल घोड़ा, उससे पहले वो चल जाए, हम लोग को पहुँचना है। ये नौटंकी करेगा, हम पैदल ही चलते हैं। चलो 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 बाइक, जल्दी 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 जल्दी, वो ना चल जाए। 91 अच्छा यहीं पे है, ऊपर ऊपर ऊपर। हम घोड़ा घोड़ा ही पे बैठ के करेंगे। अरे चल बाइक, क्या नौटंकी लगा के रखा हुआ है। यहीं से मारते हैं, मेरे को भी देख ले भाई। मेरे को भी तो देख ले, मेरे को भी देख ले भाई, मेरे को देख ले भाई, अरे मेरे को भी देख ले भाई, मेरे को भी देख ले ना, ए मेरे को देखना, ये देखना, नहीं तो ऐसे ही आग लगा देंगे तुम्हारे पूरे बॉडी में, आग लगा देंगे। खड़ा हो के भाई, खाली मेरे से मार खा। खत्म थी, मैं दूसरा निकालूंगा, इसका खोपड़ी बजाऊंगा। ये लिया, अरे भाई रेमेसिस ऐसे ही रहेगा क्या खड़ा। अबे किंग ऑफ किंग्स है तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम किंग ऑफ किंग्स में आता है, तुम ऐसे मतलब खड़ा रह के मेरे से मार खा रहा है, थोड़ा तो शर्म कर।
थोड़ा तो शर्म कर, मेरे से लड़, मर दे तो लड़ मेरे से, नहीं तो ऐसे ही मार देंगे हम तुमको खड़ा खड़ी। फाइंड एंड डिफीट द रैमसेस शैडो। मैं मार दिए तुमको, ऐसे ही जान से मार दूंगा मैं। हो गया खत्म। टेक योर प्लेस अमंगस्ट द गॉड्स रामेसिस। हो चुका है। रामेसिस टेंपल built so his memory would not wither. हो चुका है अब। Does it keep the secret of his tomb? अब सेकंड क्या करना है? King of Kings, God of Crete, God of Crete को छोड़ो, King of Kings में चलते हैं। और ये चीज फिर वो आइलैंड को साइड है, सो गाइस हम लोग को फिर यहाँ से फास्ट ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर फास्ट ट्रैवल का आप लोग आदत ही लगा लो, हम इतना फास्ट ट्रैवल करते हैं ना कि मतलब मत पूछो। इसके सामने ये है, यहाँ से फास्ट ट्रैवल ले लेते हैं, क्योंकि उतना लंबा दूर जाने का कोई मतलब बनता है नहीं पैदल पैदल टुक 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 टुक। उससे बढ़िया है कि फास्ट ट्रैवल ले लो, क्योंकि हम सीनों पर सेपिटेशन करते हुए चलते हैं, क्योंकि उससे जल्दी रहता है, मतलब जहाँ भी जाना कूद जाओ वहाँ पे। ये किसका है? मेरा है। दे दो मेरे को, मेरे को चाहिए भी ऐसे। मैंने बहुत सारा उस पर रेमेसिस पर बेमतलब का खर्च कर दिया। ये एनिमस में अटक गया है मेरा पैरो। 300 के आसपास है, यहाँ से कूदो। आग पे मत कूद जाना, नहीं तो फिर आग लग जाएगा। एट द लास्ट बाइक का क्या होता होगा? वो भी फेरो ही बन जाएगा ना। अरे मेरा घोड़ा। अरे गजब था ये, मगर मजा आ गया। आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम से। एक बार और, एक बार और। हाँ यहाँ साइड में, फिर यहाँ से नीचे। आहा, परफेक्ट परफेक्ट लैंडिंग। मतलब उतना ऊंचा पहाड़ से गाइस देखिए, सच में कितना ऊंचा पहाड़ है, वहाँ से हम घोड़ा को कुदाते कुदाते पहुँच गए। थोड़ा पागलपनी भी करना चाहिए, मज़ा आता है उस चीज़ में। दिस द हाउस ऑफ द मिलियन ऑफ ईयर्स यूजर यूजर मात्रा से ते पेनरा। क्या क्या नाम लिखा हुआ समझ में नहीं आता है, कुछ होगा इसका मतलब, हमको तो नहीं पता है। आप लोग अगर पता है तो गाइस आप लोग बता सकते हैं। ओके वो बंदा है, उसको तो ऐसे ही चलते चलते मार देंगे। अगर कोई नहीं देखे ना तो मैं उसको मारते हुए उसका वो जो जिस पे वो चल रहा है। अरे 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 गाइस 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 तुम लोग मत देखो मेरे को। हे होल्ड ऑन। आ हाँ तू लोग देख लिया है तो चलो, अब कोई क्या शर्माना, अब क्या शर्माना है ना। नेफर्टिटी का हथियार दो एक लो। अब इतना लेवल इसका बढ़ा चुका है ना कि कोई इसके सामने शायद ही बचेगा। हो गया खत्म ये भी, बस हो गया, हो गया भाई। कितना 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 बच्चा है, सब बच्चा है। वो इससे प्रॉब्लम है मेरे को, इससे मेरे प्रॉब्लम है, ये मेरे को आग लगा देता है बार बार बेमतलब। लग गया ना, ये लग गया तो बस खत्म है तुम्हारा काम। इसको इसको चैंथ्रो में इसको, हाँ बहुत परफेक्ट भाई, मजा आ रहा है तुमको। Nunmak tomb with the same cartouche, only hymns and songs. लोग पीछे से, लोग पीछे से। मुझे लग रहा है हथियार चेंज करना चाहिए। लाइफ भी मिलता है इन लोगों को मारने से। ये देखिए गाइस, बहुत कातिलाना हथियार है और मेरे पास सूट भी करता है। मानो लगता है कि मैं क्या बोलता हूँ, मरने के बाद जो देवता रहता है ना, वो जो रूह को कब्ज करके ले जाता है, क्या बोलते हैं उसको, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। फिलहाल वही कोई मतलब गॉड की तरह हो गया हूँ, मतलब मरा हुआ लोगों को लेके जाना है।
कोई दिक्कत नहीं, अभी ये कहाँ जाना है? फिर इतना क्यों पैदल जाना पट से? गाइस द किंग ऑफ द किंग्स रिक्वायर लेवल 50, मैं उससे ऊपर हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से फास्ट ट्रेवल लेते हैं, पट से पहुँच जाएंगे वहाँ पे। ओह ये फिर एनिमस में हम लोग आ चुके हैं, एनिमस में ही फास्ट। फिर ये मेरा तीर जो कि यहाँ पे अटका हुआ है, कहाँ ही गया? क्या गया? यहीं तो था अभी, देखा तो कहाँ गया? यहीं पे तो था अभी तो, मैंने जस्ट देखा था अभी थोड़ी देर में। मेरा आँख का भ्रम था क्या? यहाँ से नीचे, मम्मी नीचे। अब बाइक नहीं, अब इसको मम्मी कहेंगे। ये 100 कुछ है लमसम मीटर है, घोड़ा बुलाते हैं। आ जा घोड़ा, मम्मी हो कि घोड़ा पे सवारी, क्या है ऐश है। शॉर्टकट शॉर्टकट लेते हैं, यहाँ से पहुँच जाएंगे जल्दी। और ये हम लोग पहुँच भी गए। ब्रिंग द टूम ऑफ द रेमेसिस द ग्रेट। अब हम लोग रेमेसिस के टूम में हम लोग जा रहे हैं। फाइनली न्यू लोकेशन इज डिस्कवर्ड। यहाँ पे कुछ चिल्लर उल्लर पड़ा है क्या? बाहर फेंकते हो क्या चिल्लर? नहीं फेंकते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कुछ है, अंदर है अंदर है अंदर है। अच्छा चिल्लर ही है, आ जाओ चिल्लर। और बाकी सब कहाँ है? उधर उधर कैसे आएंगे भाई, ये तो पूरा रास्ता बंद है। ये तो कुछ है, ये क्या है? लुक यू अपॉन द डीड वगैरह वगैरह कुछ भी हो, जो भी हो हमको नहीं पता। हमको खाली रेमेसिस से मिलना है, और किंग ऑफ द किंग्स का बात कर रहा है ना। अच्छा तो हम तुमको मार देंगे तो किंग ऑफ द किंग्स का जो टाइटल है वो तो मुझे मिल जाएगा। ओ गाइस ये क्या हुआ, मुझे लूटना था कुछ कुछ। अच्छा इंस्पेक्शन हो रहा है। वो इतना सारे कीड़ा कब्र में से, मगर उसका बॉडी तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। निकल चुका है वो भी अपना आफ्टर लाइफ में, निकल चुका है। फील ऑफ द रीड्स जो बोलते हैं, या लैंड ऑफ द वॉट कह लीजिए। ये कैसे आवाज है? ओ ओ ओ नेफर्टिटी बाय ऑफ सीवा, यू हैव कम। हां Will you help my husband, Rameses, find the peace he deserves? Oh, जरूर मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा, टेंशन ना लो। मगर अभी नहीं पाए। ए ज़्यादा उसके इसमें मत आओ ठीक ना, पहले ही सब चिल्लर उठल उठा लेते हैं, देन उसके बाद वहाँ पे चलते हैं। चिल्लर उल्लर की ज़रूरत पड़ती है ना अपग्रेड ओवर करने के लिए। जैसे अभी इतना महंगा हथियार खरीदा हूँ कैसे, वो इसी सब चीज़ है ना, चिल्लर चिल्लर जमा करते करते इतना सारा चिल्लर जमा कर लिए कि नया नया हथियार खरीदा हूँ और हमें उसको बढ़िया से मारूंगा एकदम। उसका आप लोग हथियार देखो ना कितना भारी भरकम रहता है, किसी के ऊपर पड़ेगा तो क्या होगा उसका, वो आदमी उठेगा नहीं, उठ जाएगा, उस टाइप का वाला है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आफ्टर लाइफ में। यहाँ पे भी कोई है क्या? मुझे जैसा पता था, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा निकालो, एक ही करके देंगे, एक ही करके। आ जाओ तुम लोग ही सह मेरे को। अच्छा ये लोग भी खतरनाक है। हाँ तो बीच से मारेंगे, कट से मार के तुम लोग को आधा आधा काट के रख देंगे, क्या समझ रखते हो मेरे को है? Pain, suffering, pain. We hear their cries. Is it you? ये मूर्ति सब बोलती भी है। हाँ ऐसे लास्ट टाइम भी सुना था ये सारी आवाज़ें, मगर हमको नहीं पता था ये सारे मूर्ति में से आती हैं। तो मूर्तियाँ यहाँ पे बोलती भी हैं गाइस। बहुत टेरिबल, बहुत हॉरिबल जगह है। फाइनली ये इसका बहुत सबसे अजीब एंट्रेंस है। इतना अजीबोगरीब क्यों बना के रखा हुआ है भाई रेमेसिस?
हाँ बहुत सारा बाहर में भी वेट कर रहा है। ओहो हो, इसके ऊपर मैं शायद। इतने सारे मूर्तियाँ क्या कर रही है यहाँ पे? पहले ये सब चिल्लर उल्लर उठाएंगे हम, देन उसके बाद जाएंगे आगे। चिल्लर उल्लर उठा लो, पहले चिल्लर उल्लर उठाएंगे। हाँ, और भी है क्या? और भी है, ये सारे इन लोग सब, इसका पति को बचाना है, ऐसे ही कुछ कर रही थी। ठीक है तो बचा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। पाया का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अब शायद है कोई इसके सामने टिके कभी। हमको नहीं लगता कोई बायो को टक्कर अब दे पाएगा। अब इतना फेरो लोग को मारा है और इतना सारा इसके पास अजीब गरीब ताकत हो चुका है, तो शायद ही कोई इसके सामने अब टिके। वल्चर्स भी हैं यहाँ पे। Not good. क्या जी, सही नहीं। ये छोटा मोटा लूट है। अच्छा ठीक है, हो गया। ऊपर तीन को यहाँ पे लूट है, तो तीन को लूट के बारे में कैसे पता चलेगा? हाँ यहाँ से गोल 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 रानी सीनू को बुलाते हैं सब। मेरे साथ सीनू भी है। बहुत खूब बहुत खूब। ओहो मुझे पता नहीं था मैं कहाँ पे खड़ा था। अच्छा फिलहाल सीनू आ जाओ, बताओ कहाँ का है। ये सब तो इन लोगों को तो ऐसे ही देख लेंगे। Must keep my bearings. Oh shit. यहाँ पे तूफान बहुत ज़्यादा आता रहता है। ये सारी पंछियाँ भी उड़ रही हैं, सो मेरे को खुद से ढूंढना पड़ेगा। सीनू भी यहाँ पे हेल्प नहीं आ रहा है, क्या करें क्या किया जाए, बिना सीनू के कैसे काम चलेगा। चल 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 बाइक यहाँ पे से नीचे चल, तो देखते हैं, ट्राई करते हैं, खुद से ट्राई करते हैं। मिल जाओ, वी दबाते हैं। अब आ गया सीनू, आ गया, आगे सीनू आ गया। ये तो खाली पंछी सब है यहाँ पे, कमी नहीं है इन लोग का। मुझे खोजना है कहाँ है एक, ये पक्का। और कहाँ है? एक ये दिख रहा है, तो इसको चलते हैं, इसके पास चलते हैं, मिल जाए। कहाँ पे बोला था? नीचे। ठीक है। ओ मरे नहीं, मरे नहीं, मरे नहीं। यहाँ पे अच्छा इन लोग भी है। रेमेसिस का पुजारी खत्म, सब यहाँ पे पूजा करने में लगा हुआ है। और गया, ये भी गया। अच्छा ठीक है, ये मेरा कुछ है, उसको चेक कर लेते हैं ये क्या है। हाँ अच्छा तुम बोल लो क्या है। अच्छा यही एक ओरिजिनल है, बाकी सब फेक। Ramesses the Great is your husband. In life, I was his most beloved consort, the favorite queen of a great man. Why does he walk the black land? He lived a glorious life, vanquished our enemies, gave us prosperity, but in death, his ka finds no peace. Once, the Magi were servants of the pharaohs. I am Magi no longer. But you know what it is to sacrifice for something greater than yourself. Ramesses served Egypt like no other. Has he not earned an ageless slumber? What will you have me do? I will whisper the ritual in your ear. ठीक है, फेरो हस्मत इतना सारा मिशन करना पड़ेगा उसको मिलने से पहले। दो मिशन है, कोई दिक्कत नहीं गाइस, हम लोग करते हैं आराम आराम से। यहाँ पे एक और बचा हुआ है, तो उसको सीनू से हम लोग जल्दी से खोज लेते हैं कहाँ पे है। सीनू जल्दी बता दे भाई कहाँ पे है वो।
एक अकेला बचा हुआ है। अच्छा मिल गया, वो भी मिल गया। अब ये गाइस लोकेशन को हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद चलते हैं। और ये ज़्यादा ऊपर है भी नहीं, तो हम लोग चलते हैं जल्दी से, इसको ले भी लेते हैं। चढ़ जा, कहीं भी चढ़ सकता है। चल नौटंकी ना कर भाई, नौटंकी ना कर, कहीं भी चढ़ सकता है, हमको अच्छे से पता है। चल चढ़ जा, हो गया, ये लोकेशन डिस्कवर्ड हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं डायरेक्ट अपने मिशन की तरफ। कुछ लाइफ की कमी है नहीं मम्मी से। ए भाई क्या नौटंकी लगा के रखा हुआ है। चल यहाँ पे मेरा घोड़ा आ सकता है। ये मतलब इसका कहना है कि ये बंदी बोल रही है कि मतलब यहाँ पे मतलब वो अपने जिंदगी में बहुत रेमेसिस की बड़ी फैन थी एक तरह से कह लीजिए, मतलब उसकी वाइफ थी एक तरह से कह लीजिए। तो उसके बाद इजिप्ट का बहुत बड़ा किंग था, मगर उसको उस तरह का वैसा मिला नहीं जैसा वो चाह रहा था। साइड बाय साइड दे मस्ट असेंड इनटू द डेथलेस फेदर्स एंड समन द बार्ड द ट्रैवर्सर। ये कहानी चलता रहेगा क्या, जो सुना रही है रिमेंबर्स हिम। और रेमेसिस के बारे में बता रही है, कैसा था रेमेसिस, क्या है क्या नहीं है, सब कहानी बता रही है। सो बताने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग अपना काम में चलते हैं, रेमेसिस को जल्दी ख़त्म करना है, बस मेरे को इतना पता है। यहाँ पे भी लोग रहते हैं क्या? ओह नहीं, यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पे ये लोग रहते हैं, सब गार्ड्स वगैरह। हमको कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ जिसको आना है आ जाओ, काट देंगे बीच से, इतना हेवी मेरे पास है। ये बोला था ना, his servant bears down upon you, carries his खत्म, keen your blade cupbearer। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका किंग भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसका किंग से लड़ेंगे। तुम लोग सब छोटा छोटा बच्चा, हटो यहाँ से, रुक जा भाई किंग, तुम्हारे लिए खास तौर से मेरे लिए पास है। हाँ खत्म, बीच से आधा अधूरा। अरे सब किसी और को मत मारना। हाँ 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 हाँ, बस 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 भाई, यहाँ पे अभी थोड़ा देर पहले तूफान आया था, फिर दोबारा तूफान आ गया, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है आखिरकार। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। तुम लोग सब हे हा करते रहो, मेरे को आई कॉलेक्ट करना है, तो सिंपल सा आई कॉलेक्ट करके उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल, हे हा करते रहो, कुछ नहीं, हम नहीं सुनने वाले हैं तुम लोग का। अच्छा ये लाइफ देने वाली है, तो इसको सबसे पहले टपकाएंगे। मुझे उसको मारना था, खत्म, इसका चमचा को मारो, खत्म, हो गया। इन लोग कहाँ गया मेरा घोड़ा, ए भगोड़ा भगोड़ा घोड़ा, आजा जल्दी, इन लोग को देखा तो डरा, बस आजा 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 आजा, एक दो मेरे सामने जिंदा रहेगा थोड़ा भी, हाँ अभी भी दबाओ, यहाँ पे यहीं कहीं होगा, कहाँ है। अच्छा मिल गया, ये एक लोकेशन भी है इन फैक्ट, चलो तो लोकेशन भी डिस्कवर हो जाएगा साथ साथ। भी लोकेशन डिस्कवर नहीं करना, ले देखे मेरे को बस लड़ना है उससे आज, या तो रेमेसिस या तो मैं। लोग आ सकते तो आ जाओ नीचे, वेलकम है मेरी तरफ से, आ जाओ। अच्छा यहाँ पे लाइट की जरूरत है। ओहो ये कौन है, बस
हाँ तो इससे मारेंगे तुम्हें, तुम्हारे सिर कहाँ है भाई? मजा आ गया, दो तीन मत इसकी हालत है ख़राब। अरे रे भाई तुम बेवकूफ़ी क्यों कर देता है भाई? कहाँ पे क्या करना है, कहाँ है कहाँ है? अच्छा वो रहा अंदर, अंदर किधर से जाना है, यहीं से क्या? हाँ यहीं से, यहीं से। यहाँ पे भी कोई है क्या? कोई नहीं। ये चीज़ लो, ले लो ना भाई, बाइक ले। ये सब लूट उठा रहा है, इसको नहीं उठा रहा है, बस कर। अब कौन देख रहा है? हाँ हो गया, अब कोई, अब ले लेगा आराम से। हो गया रे, हमें सिर्फ लेफ्ट आई, एक लेफ्ट आई है एक राइट आई है, मतलब शायद ये दोनों चीज़ को एक साथ रखना पड़ेगा, दिन जाके वो अपीयर होगा, मतलब उसका रेलिक चोरी नहीं हुआ है, ये अच्छी बात है। बाकी सबका जितना भी फैरो था उन लोग का तो रेलिक भी चोरी हो गया था, इसका रेलिक चोरी नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। तो मतलब वो हम लोग के लाइफ में आया भी नहीं है जो अभी चल रहा है, हम बेमतलब का जा रहे हैं उससे लड़ने के लिए, उससे बेमतलब का लड़ाई, कोई दिक्कत नहीं है। पंगा लेने जा रहे हैं, साफ साफ सिंपल। और यहाँ पे मेरा घोड़ा अटक गया, तू नीचे क्यों आए रे पागला? हम पगले, मेरा घोड़ा है, कहाँ से हम जाएंगे? ये इस पर चढ़ सकता है क्या? चढ़ 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 भाई, देख दो चढ़ने में तो माहिर है। चल चल ऊपर चल, ऊपर चल, ऊपर चल, निकल गया गाइस, अच्छा है निकल गया। और देन उसके बाद हम लोग को अब क्या किन्न है, फेरो हैसमेट कैंप के पास में है, वी दबाना है। अच्छा तूफान चल रहा है इसलिए नहीं आ सकता इसी में, बहुत खूब बहुत खूब। क्या लिखा है, फाइंड एंड रिलीज द प्रिजनर ऑफ द वार, प्रिजनर फ्रीड। एक भी नहीं हुआ है, यहीं कहीं होगा आसपास में, यहाँ पे होगा और क्या, यही होगा, यहाँ से प्रिजनर ऑफ द वार लोग को छड़ाना पड़ेगा। आगे आगे चलो गाइस, आगे कहाँ है प्रिजनर्स है कहाँ? अच्छा प्रिजनर्स भी मिल गए। तो इस लोकेशन को डिस्कवर करने के लिए हम लोग नहीं भागेंगे, हम लोग डायरेक्ट अपने प्रिजनर को छोड़ाते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं। यहाँ पे कहाँ पे है, आ जाओ आ जाओ। These are the bars of people taken captive during Mamazi's battle. Khatam. Aa isko maar do. Khatam. Ho gaya. Aur aur kon dekha hai bhai mere ko? Aaja aaja. Aaja ye load karke rakha rehta, tere head pe aim lagayenge. Aaja pehle aa tu andar aa. Hum pura sabr sabr se khelna hai yahan pe. Khatam guys. ये तो बहुत मज़ेदार था, निकल निकल निकल। अच्छा ये है एक और, कहाँ है सब? अरे बाप रे इतना सारा है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है? जल्दी आ जा जल्दी आ जा, कहाँ पे ही? यही कहीं तो है। अच्छा वो रहा, कितना को है टोटल? एक छोड़ा है तो इतना बड़ा तो कुछ हो पता है नहीं, चलिए देखते हैं गाइस क्या है कितना है। यहाँ पे नीचे में है, ये जिंदा करने आ रही थी रे, हैं? हो गया, चल निकल यहाँ से, जा यहाँ से, जा जा जा। मेरे से टच होने का कोशिश भी मत करना, मेरे से टच भी होने का कोशिश तक मत करना। अरे यार ये गलती हो गया, भाग भाग भाई भाग, भाग जाए यहाँ से,
आग लग गया वे, मतलब कहीं लोग से लड़ेगा। खत्म 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 कहानी खत्म खत्म। ये कितना है, 50 लेवल का है। छी, और भी है। लोग कहाँ पे है, तुम लोग कहाँ पे है। एक यहाँ पे मिला, सब वो भी टारगेट में ले लो। दूसरा भी मिल गया, चलो गाइस बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी हो रहा है तो इसको भी लेते हैं जल्दी से खर्चा में। ये गया और इसको फ्री कर देना ना, सिंपल हो गया फ्री। जा यहाँ से, भाग जा पंछी, उड़ जा पंछी। थैंक यू मत बोलना, ठीक ना, बस मेरे को थैंक यू से प्रॉब्लम है। थैंक यू अंकि मतलब थोड़ा सा लगता है अजीब। ये मोटका को तो ऐसे ही मारेंगे। और ये है सामने, मार दिए खत्म कहानी। आई ये बुलाने वाली है, सॉसरी करने वाली है, तो इसको पीछे से देंगे। हमको नहीं पता था ये जाग जाएगी। अरे रे रे, कहाँ भाग रही है ये लड़की, ये लड़की हम मार करेंगे। अबे अबे अबे, भाग जा भाग जा भाग। आग लग गया गाइस, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, कोई दिक्कत नहीं, दूर से लेकर। बस एक ही बचा है ना, तो इसको तो यहीं से कर लेंगे। Merciful is he, his hem set freed, falling from the firmament. बात कर रहा है भाई, कहीं है? और कैसे बात हो सकता है? यह हमको समझ में नहीं आ रहा है, इतना दूर दूर से कैसे बात? Every atom with thy hand. आ जा जा जा। Encompass the heaven, the earth. एक तो इन लोग का ऐसा ऐसा शकल है, काला कल उठा सब, मतलब दिखता नहीं है इसमें से। ICU, उससे कोई घंटा मेरे को फर्क पड़ता है ना, घंटा कोई फर्क पड़ता है। मैं यहाँ से पूछ सकता हूँ? हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमको खाली उस पंछी को फ्री करवाना है, सो मैं वो करके उसके बाद उन लोगों को बताता हूँ। हो गया सारे फ्री, quest completed. Earth god quake, the two doors of the horizon are open. Its boots इसको लग जाए, इसको लग जाए। अरे मेन टाइम पे मार दिया मेरे को। एक ये हुआ, हाँ खत्म कहानी। अरे मोटका मेरे को मात्रा में, ठीक है ठीक है ठीक है। बस मटका का खत्म कहानी। कोई आ जाओ सामने। कौन सी लगेगा? अरे अरे और कौन है सामने, उसको चैन थ्रो में ले। खत्म कहानी। आ जा जा, तू भी है ना, आ जा 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 जा। एक शील्ड मत डाउन किया कर, मेरे सामने लड़ना है ना तो शील्ड कभी मत डाउन किया करना, तो फेस कॉन में तो फायदा है, उठा लूंगा तुम्हारा, तो लग जाएगा एक बार में, पता है ही है तुम लोग को। अबे फाइनली, अब शायद लगता है हर मिशन हो चुका है, चलते हैं द किंग ऑफ द किंग्स। सारे मिशन हो चुके हैं गाइस, अब फाइनली हम लोग जा रहे हैं रेमेसिस को फेस करने के लिए। अभी क्यों चार्ज ले रहा है, रेमेसिस के सामने चार्ज लेंगे ना? अभी नहीं, अभी नहीं, इससे काटेंगे और नेफेडिटी वाले से चार्ज लेंगे। इसका एडलिन चार्ज लेता है ना, देखना पड़ेगा ये मेरा एडलिन चार्ज लेगा कि नहीं लेगा, इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये है एड्रेलिन रीजनरेशन है, इसमें इसमें भी एड्रेलिन रीजनरेशन है, तो इसमें पॉइजन हिट देता है, इसमें मारेंगे तो हेल्थ ऑन किन देगा। और एक और गाइस, हम लोग क्या करते हैं, ये भी फायर वाला है, ये भी फायर वाला है, तो अच्छा है, फायर डैमेज उसको थोड़ा सा तो मिलते रहेगा। गाइस हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं रेमेसिस के थ्रोन के पास,
गाइस देख सकते हैं इतना लोगों को, इतना लोग यहाँ पे आए थे रमसिस का वो क्या बोलते हैं रिलिक चुराने के लिए, पूरा पूरा फौज है यहाँ पे, सबको मार दिया किसी को नहीं छोड़ा, देख सकते हैं अब हम फाइनली फाइट उससे लेने जा रहे हैं। चलिए गाइस अब लास्ट फेरो से हम लोग जा रहे हैं फाइनली फाइट लेने के लिए। Bringer of peace. अच्छा ये फाइट प्रेस यहाँ पे रखना है। Face me. I bring you rest. डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है बायक। बायक भाई वो अपने समय का सबसे बड़ा शासक था वो। उसका गाइस आप लोग हथियार देखिए, पड़ेगा तो क्या होगा, हड्डी पसली टूट टूट जाएगा, आवाज करेगा कड़ 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 कड़, और वो एक हाथ से उसको घुमा रहा है बायक, थोड़ा सा तो कर ले वहां पे ना, मतलब कर रहा था ना। अरे अरे पीछे पीछे पीछे, पीछे। कड़कड़ा दिया, कड़कड़ा दी हड्डी, हटो पीछे पीछे हट जा, पीछे हट जा, मैं बोला था एक बार में ले लेगा, एक बार में ले लेगा वो गाइस, एक बार में वो ले लेगा लाइफ। चार्ज ले लिया है अब मार दे, ऐसे बेस्ट है यही है पीछे भाग भाग के लड़ना, ऐसे मारेंगे ऐसे, ये लो पूरा हेड पे। इसका भी एक रियाल में, अरे भाई ये क्या हुआ, मेरे को दिख भी नहीं रहा है, चलो तूफान ला दे रहा है गाइस, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है जब वो चार्ज ले रहा है, अरे भाई ये तो खतरनाक है, हाँ बचे बचे बचे, इसे तो काट काट के रख देंगे हम इसे, काट काट के रख देंगे, अरे वाह ब्लीडिंग भी हम दे रहे हैं इसको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लग जा, समझ क्या रखा है, बायक ऑफ सीवा मेरा नाम है, बायक ऑफ सीवा है ये याद रखेगा क्या, तेरे से लड़ने के लिए कोई ऐसा इंसान आया था, मेरा चार्ज हो गया, पीछे जा, फिर चार्ज ले रहा, फिर चार्ज ले रहा, फिर चार्ज ले रहा, फिर धुआं कर दिया, तो फायदा उठाएगा, देखिए गाइस इसका फायदा उठाता है, ये देखिए गाइस ये तो छलावा है, छलावा कर रहा है मेरे साथ, बहुत बहुत बड़े बहुत सामने से बचे, छलावा मेरे साथ करता है, सामने सामने लड़ना देखना कैसे कर रहे हैं तेरा साथ, काट के रख देंगे पूरा नीचे से ऊपर, अरे 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 गाइस, अरे भाई इतना गंदा कौन मारता है, मेरा पीठ तोड़ दिया, अरे मेरा पीठ तोड़ दिया, अरे भाई अरे भाग भागो, हाँ मैं मर जाऊंगा रे, मैं मर जाऊंगा भाग, अरे भाई इतना हेवी मारेगा, एक बार और मार लेने दे, अरे भाई ये क्या है, ये राक्षस है पूरा, एक तरह से राक्षस है, राक्षस है ये पूरा, मेरा चार्ज हो चुका है, मेरा पड़ जा पहले, हाँ ये परफेक्ट वहाँ पे लग रहा है, भाई भाग 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 भाग, वो कितना पावरफुल है देख रहे हो भाई, हम लोग अरे भाई रेंज ले रहे मेरे को मार के छोड़ेगा ये, मेरा पीठ तोड़ देगा, आ,
स्टार्ट कर चुका हूँ और शायद इसका आंख भी है। और ये खत्म। फाइनली गाइस, जो आखिरी पैरो था उसे भी मार दिया अपने को। अब मैं भाई भाई, अब फाइनली पूरा का पूरा कर्ज ठीक से हट गया। जितने सारे पैरों को उस टी ने बुलाया था, अब वो फाइनली ठीक से सारे कर्ज हट गए। जितने भी पैरों के कर्ज थे सारे हट गए। देखिए गाइस कैसे कैसे मारता है। मेरे को दो तरह से मारा है, पीठ तोड़ दे रहा है, बदन तोड़ दे रहा है, हड्डी तोड़ दे रहा है। बाप रे, कैसे सहेगा कोई इतना। सच में बहुत मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इसका। मैं इसका रिस्पेक्ट करता हूँ, किंग ऑफ किंग। सच में इसको किंग ऑफ किंग इसलिए कहते थे, हम समझ गए इससे कोई नहीं जीत सकता है। जो कुछ हुआ सब चीज माफ कर देना, ठीक है। और फाइनली अब है ये थ्रोन का भी, मैं सिर्फ वायर। मैं भी मम्मी बन चुका हूँ, अब क्या करूँ। सब चीज़ ख़त्म, सब चीज़ ख़त्म। अब वायर ही है और कोई नहीं है। अब मेरा भी एक वक्त आएगा, मैं भी मर जाऊँगा। अब उसके बाद जितना भी हथियार है मेरा अपना, वो भी किसी और को चल जाएगा। क्या पता नहीं क्या करेगा मेरा एंसेस्टर सब। एंसेस्टर क्या मतलब, आगे जो मेरा वंश रहेगा वो मेरे साथ क्या करेगा मुझे पता नहीं है। ऐसे भी एक बेटा था, उसको खो चुका हूँ। उसके वजह से इतना दूर तक आ चुका हूँ, थीप्स तक पहुँच गया, सारे कर्ज को मिटा दिया। अब मेरे लाइफ में कुछ नहीं, अब मैं चैन से मर सकता हूँ। फाइनली ये थ्रोन भी मेरा है, कोई दिक्कत नहीं। अब रिस्पेक्ट है भाई, रिस्पेक्ट तुम्हारे लिए, रिस्पेक्ट है। चलो गाइस हम लोग अभी यहाँ से चलते हैं। अब इसका हथियार आप लोग देख लीजिए, इसका हथियार आप लोग को दिखला दे रहा हूँ। है लेवल कम है मगर मस्त है, मज़ा आ जाता है। मतलब मारेंगे किसी को ना तो बस, उसके बाद तो उसका 50 लेवल का है। मैं इसको 55 लेवल पे पहुँचा देता हूँ, देन उसके बाद हम लोग चलते हैं। जैसे आप लोग को प्रॉमिस किया था मैंने, हाथी देखिए ज़मीन हिलता है इसको मारने पर। देखिए अब इन लोग को मारा होगा रंगसी साइड से, तो क्या हाल हुआ होगा। पहले तो हड्डी टूटा होगा और देन उसके बाद अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होते होते उन लोग मर गया होगा, यही हुआ होगा फाइनली। इतना ख़तरनाक है, सोच लीजिए। अब मैं क्या करता हूँ आप लोग को, ये क्या था। अच्छा हमको लगा था किसी का है, कोई दबा हुआ है, तो मार के दिखला देता हूँ आप लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हाथी पे ट्राई करना था हम लोग को। जैसा कि आप लोगों को बोला था कि ग्रेमिसिस का हथियार मिल जाने दिए, देन उसके बाद हम बताते हैं कि मतलब कैसा लगता है ये। सो गाइस अब चलते हैं, कोई हाथी को ढूंढते हैं। इजिप्ट में जाना पड़ेगा इसके के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, इजिप्ट चलते हैं। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकल जाते हैं, ये डायमेंशन से हम लोग बाहर निकल चुके हैं। और फिर पहले हम लोग थीप्स चलते हैं, ठीक है। थीप्स चलने के बाद ये कहाँ है, यहाँ पे चलते हैं सबसे बेहतर। और थीप्स से चलते हैं, देन उसके बाद वो बंदा मिलेगा, अपग्रेड करते हैं इसको, 55 लेवल पे पहुँचा देंगे रेमसिस का हथियार को। और देन उसके बाद हम लोग चलते हैं हाथी लोग को मारने के लिए। पूरा मार मार के उन लोग हड्डी ना तोड़ दिए, तो फिर मेरा बायक नाम नहीं। ये देखिए गाइस, यहाँ तक कि एनिमस में ये कर रहा हूँ मूव, तो एनिमस हिल रहा है। अनबिलीवेबल, मज़ा आ जाएगा। अब हाथी कौन बचाने वाला, मेरे से कोई नहीं बचाएगा अब हाथी को। ये रहा, ये अपग्रेड थोड़े करता है, नहीं ये अपग्रेड नहीं करता है। और नज़दीक चलो, हाँ ये अपग्रेड करेगा मेरा ब्लैक स्मिथ कहाँ है, पीछे में है। सो चलिए चलते हैं, होप्सो मेरे पास क्वाइन हो इतना सारा, नहीं तो फिर उसके बाद पहले बेचना पड़ेगा सारे चीज़ें, देन उसके बाद मैं अपग्रेड करवा सकता हूँ। लगभग 4,000-5,000 के आसपास लगता है। नए नेफर्टिटी वाला को भी हथियार को भी बनाया था, मगर नेफर्टिटी वाला हथियार इसके काम नहीं आने वाला है रेमसिस से अगर लड़ता तो। पॉइजन उसको कुछ हर्ट नहीं करता है, मतलब हर्ट करता, कितना हर्ट करता ज़्यादा से ज़्यादा। पॉइजन मेरे को हर्ट कर सकता है क्योंकि मैं एक ज़िंदा इंसान हूँ, और वो लोग सब फैरो है, मरा हुआ कहाँ दफनाया हुआ सब है उन लोग पे क्या
तो इसलिए एक तरह से आग से जलाया जा सकता है मगर पॉइजन काम नहीं कर सकता, इसलिए मैंने नेफर्टिटी का हथियार अपग्रेड भले किया था मगर यूज़ नहीं किया रैमिसेस को मारते समय। सो चलिए गाइस, हम लोग लग रहा है पहुंच ही गए हैं ये बंदा के पास। कहाँ है भाई? ऊपर। अच्छा ये रहा यहाँ पे, तो पहुंच गए। हेलो, कैसे हो भाई? एक काम करना था, अपग्रेड कर दोगे मेरा रैमिसेस का एक हथियार? आज भी लाया हूँ रैमिसेस के वर्ल्ड से, तो 6000 के लमसम लगेगा। दीजिए गाइस, अपग्रेड कर दे रहे हैं। 55 लेवल का हो चुका है हम लोग का हथियार अभी। हेल्थ ऑन हिट, एड्रेलिन ऑन किल। जब मारेंगे किसी को ना तो एन उसके बाद एड्रेलिन हम लोग को मिलेगा। तो अब और कुछ करना है नहीं। थैंक यू भाई, चलते हैं फिर, दोबारा मिलेंगे अगर कभी आना हुआ थीच तो। और हम जा रहे हैं अपने घर, होम स्वीट होम सीवा। बहुत दिन हो गया है गए हुए। सो गाइस, यहाँ से फास्ट ट्रैवल हम ले रहे हैं, फिर मिलते हैं वहाँ पे। सो गाइस, हम लोग फाइनली, अरे हम अब सीवा थोड़े रहे हैं, अब मम्मी बन चुके हैं। हाँ, तुम लोग ही का बायक हूँ गाइस। अभी आए हुए, थोड़ा सा भी टाइम नहीं हुआ, लोग मुझे पहचानने लगे हैं। थोड़ा अच्छा लगता अपने घर जब आओ बहुत सालों बाद, तो लोग कैसे पहचानते हैं। ये सब तो बच्चा बुरू सब लोग, ऐसे ही छुएंगे तो मर जाएगा सब। इन लोग सबका एक दो लेवल है गाइस। याद करिए जब मैंने ये सीजन शुरू किया था Assassin's Creed Origin का पहला वाला, मेरा लेवल 1 क्या 0 से शुरू किया था। और देखिए आज गाइस हम लोग 55 लेवल पे पहुंच चुके हैं। और कोई भी हम लोग के सामने ऐसा नहीं है जो मेरे सामने टिक सके थोड़ा देर भी। सो गाइस, जैसा कि मैंने बोला था कि हाथी को मारना है, अब हाथी के लिए हम लोग खोजते हैं कहाँ हाथी मिलता है हम लोग को, देन उसके बाद चलते हैं वहाँ पे। मैं पहुँच चुका हूँ वो हाथी के पास जिससे हम लोग लास्ट टाइम लड़े थे, जिसका लेवल भी हमको लगता है सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आज अभी तक जितना भी हाथी लोग से मिला हूँ सबसे ज़्यादा इसी का लेवल है। तो चलिए हम लोग इसी हाथी से पंगा लेते हैं, देन उसके बाद इसको बताते हैं कि आखिर कौन है। किंग ऑफ द किंग का टाइटल मैं जीत के आ रहा हूँ। अब क्या लगता है गाइज आप लोगों को, क्या मैं इस हाथी को हरा पाऊँगा कि नहीं? सो गाइज, अगर मैं इस हाथी को हरा देता हूँ तो गाइज मेरे सब्सक्राइबर तुरंत के तुरंत 100 हो जाने चाहिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हो नहीं, तो इसलिए आप लोग के लिए इतना कुछ कि मैंने किया। अब आप लोग का भी तो कुछ थोड़ा सा फर्ज बनता है ना। सो इसके लिए गाइज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर मैं इस हाथी को हरा देता हूँ रेमेसिस के हथियार से, क्योंकि आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट टाइम कि इस हाथी को तो फिलहाल उस समय के लिए छोड़ देता हूँ मगर अगली बार नहीं छोड़ूंगा। अब वो अगला टाइम आ चुका है क्योंकि मेरे हाथ में रेमेसिस का हथियार है और इसके सामने मजाल है वो हाथी टिक जाए। सो गाइज आप लोग बिना देरी किए हुए चलते हैं अंदर। आ जाओ। सबसे ज्यादा इसी का लेवल है इसलिए मैं इससे पकड़ ले रहा हूँ। चार्ज हो जाओ, हाँ अब मजा आएगा। अरे ये है कि, अच्छा इसका दूसरा तरह से चार्जिंग है। ये देखिए हेल्थ भी दे रहा है हिट पे, 600-2000 कुछ वैसे से है। ये भी हेल्थ मेरा खा रहा है उसके बाद भी, मगर जल्दी जल्दी पूरा जमीन कांप देगा। मेरा भी हथियार कम नहीं है इस बार। हाथी पागल हाथी, मेरे को गलत मत, अरे मेरे को इसके बाद गिरा दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास एक और है, पास भी बहुत सारा कुछ नया नया चीजें हैं तुमको दिखाने के लिए हाथी।
मुझे लग रहा है कि मुझे हथियार अपना चेंज करना चाहिए। मैं अपना वही काटने वाला निकाल रहा हूँ, काटूंगा इसको, बीच से काटूंगा वो बड़ा हाथी को, बीच से काट के उसके बाद। क्या बोल रहा है। दोनों का हथियार आप लोगों को दिखलाना जरूरी था, इसलिए मैंने सोचा कि दोनों हथियार दिखलाते हैं। हाँ, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकता है। सबसे ज़्यादा इसी का लेवल है 40, तो ऊपर लेवल का हाथी है नहीं है, कुछ नहीं कर सकता है, अब हाँ लो, अब कोई काटेंगे पीछे से, ये कटा। अरे अरे, उसके ऊपर वाला जो है ना, वो क्या बोलते हैं, इंसान वहाँ वहाँ फेंक रहा है, काका फेंक रहा है, वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। बाकी से निकालना पड़ेगा। अरे भाई, मम्मी बन चुका है, उसके बाद ये हाल है। हाँ आहा, अरे अरे, थोड़ा मिस हो गया। अरे ये तो झूला रहा खाली। अरे उठ जा उठ जा। हाँ लगा, सामने संग मारी। अब दूर से मारते हैं। अब मैं चेंज कर रहा हूँ रेमेसिस का हथियार हटा के, ये से फिनिशिंग। हाथी को मैंने मार दिया। गाइस, ये रहा आप लोग के लिए गिफ्ट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था। सो गाइस, आप लोगों को सब्सक्राइब करना है मत भूलिएगा, मेरे को 100 सब्सक्राइबर चाहिए, और आप लोग करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग का मैंने प्रॉमिस पूरा किया है, जो कि मैंने आप लोग से किया था, मैंने प्रॉमिस वो मैंने पूरा कर दिया। और इसी के साथ असैसिन क्रीड ओरिजिन और इसका DLC कर्स ऑफ द फेरो कंप्लीट कर लिए हम लोग, और जितना मैक्सिमम लेवल था उसको भी हम लोग ने अचीव कर लिया। रेमेसिस द ग्रेट किंग ऑफ किंग्स को भी मैंने मार दिया, उसका टाइटल मैंने अपने सिर ले लिया, मैं भी कहलाता हूँ किंग ऑफ द किंग्स। और ये रहा मेरा प्यारा पंछी जो मेरा हर वक्त साथ दिया है। सो थैंक यू सीनू, तुम्हारे लिए प्राइस है, खा लो। मैं सर इतना बड़ा सफ़र करते करते मैं भी मम्मी बन चुका हूँ, आधा मम्मी आधा क्या पूरा बन चुका हूँ, आँख भी लाल हो चुका है मेरा। अब मैं इस दुनिया का ना रहा, और कोई भी अब मेरे से मुकाबला नहीं कर सकता है। शायद अब मैं किसी और दुनिया के हो गया हूँ, जैसा कि बाकी सब फैरो थे लैंड ऑफ द दुआत के। अब मैं भी कभी एक, अब मेरा भी टाइम आने वाला है कि मैं मर जाऊँगा असैसिन क्रीड ओरिजिन्स में, क्योंकि एट द लास्ट जो मेरे पे स्टडी कर रही है लैला, सो वो तो मेरा मम्मी को खोज ही के कर रही है उस पर। फिर पता नहीं है क्या क्या एब्स्ट्रेगो का इक्विपमेंट्स लगाई है, मशीन वशीन लगाई है, तो वो मेरे लाइफ को जी रही है। मेरा मतलब अब बायक के लाइफ से है, बायक के लाइफ को जी रही है। तो जितना था मैंने कंप्लीट कर दिया है गाइस। सो आप लोग आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि अब असैसिन क्रीड में ओरिजिन्स में और कुछ है नहीं करने के लिए। सो गाइस, अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोग से, कि मेरे पास मतलब दो गेम है, एक है GTA 5 और एक है रेसिडेंट ईवल 7 बायोहज़ार्ड। सो गाइस, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो मेरा देख रहे हो, तो मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोग से, कि मैं कौन सा गेम नेक्स्ट खेलूँ, GTA 5 खेलूँ कि रेसिडेंट ईवल 7 खेलूँ। क्योंकि मैंने सोच के रखा हुआ है डिफ़ॉल्टली कि अगर आप लोग मतलब कोई सजेस्ट नहीं करता, तो मैं GTA 5 खेलने वाला हूँ।
अगर आप लोग सजेस्ट करते हो तो गाइस बहुत अच्छा रहेगा कि आप लोग सजेस्ट करो कि GTA 5 खेल लूँ कि रेसिडेंट इवल 7 बायो हजार्ड खेलूँ, क्योंकि वो डरावना गेम है और GTA 5 पूरा का पूरा रियलिटी बेस्ड टाइप का गेम है। सो उसका एकदम दोनों का ट्रैक बहुत अलग अलग है। असैसिन क्रीड हिस्टोरिकल गेम था और ये बायो हजार्ड जो है रेसिडेंट इवल का वो है आपका हॉरर गेम, और GTA का सिनेरियो है पूरा दूसरा है। सो आप लोग बताइए आप लोग को कौन सा गेम खेलते हुए मुझे देखना है। और मेरे चैनल में बहुत कम सब्सक्राइब है, सो गाइज आप लोग से बहुत 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 रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए मेरे वीडियो को, और मेरा अगर गेम प्ले पसंद आता है तो फिर उसके बाद आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए, जैसा भी आप लोग को माइंड में लगता है मेरा वीडियो देख के कमेंट करिए, कमेंट करिए जितना हो सके कमेंट करिए, क्योंकि आप लोग का कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि मुझे और क्या क्या सुधारना चाहिए अपने गेम प्ले में। सो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं अब फाइनली बाय मम्मी बन चुका है और मैं जा रहा हूँ। सो असैसिन क्रीड ऑरिजिन और DLC इसका कर्स ऑफ द फैरो के लिए आखिरी टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और खैरियत से रहिए आप लोग, कोरोना का दौर है सो इसलिए सेफ भी रहिए, और मेरा वीडियो को जितना हो सके देखिए शेयर करिए दोस्तों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, W360 प्लेयर इज साइनिंग आउट।